हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं अमित, आप फिर से एक बार आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन करता हूँ माय यूट्यूब चैनल अड्डा 43 में। जैसा कि हम लोग कल आपका डायरेक्शन हो चुका, कोडिंग डिकोडिंग हो चुका, अब हम लोग ब्लड रिलेशन के बारे में बात कर रहे थे। तो कल आपको ब्लड रिलेशन के जो ट्री के बारे में था, मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा दिया था और क्वेश्चन भी करा दिया था, और इसमें यह भी बताया था कि इसमें चार टाइप के क्वेश्चन आते हैं, यानी कि एक आपका आता है कोहेड से, एक दूसरा आता है पॉइंटेड यानी इशारे वाले क्वेश्चन आ सकते हैं इसमें, और एक आता है आपका पजल से, आता है पजल सॉल्व करने वाला, और एक आता है नॉर्मल। तो नॉर्मल आपको बता दिया था और पॉइंटेड वाला भी बता दिया था। आज हम लोग टू टाइप से क्वेश्चन समझेंगे, जैसे कि आपका जो पजल का और जो एक नेक्स्ट था, जो पजल के बाद में जो बचता है वो आज हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलिए, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है पजल का क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं आपके स्क्रीन पे लगा हुआ है, ठीक है। क्या कह रहा है इसमें, कह रहा है कि टी जी की बहन है, पजल का क्वेश्चन आया है, ध्यान से पढ़ समझिएगा। टी डी की बहन है, टी डी की बहन है, डी की बहन टी, डी का विवाह टी से हुआ है, डी का जो विवाह है वो टी से हुआ है, पी एम का पुत्र है, टी एम का पुत्र है, ये माइनस वन, यानी ये पुत्र है, ये माइनस वन, पी एम का पुत्र है, टी जे की माता है, टी जे की माता है, जे की माता है, वाई यू का पिता है, वाई यू का पिता है, वाई के केवल एक पुत्र और केवल एक पुत्री है, वाई टी की पुत्री है, वाई टी की पुत्री है, यानी जो टी की है पुत्री है वाई। कह रहा है कि टी डी की बहन है, ये आपका पजल है, पजल आप सॉल्व हो गया है। अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ देखेंगे कि इसमें क्या पूछ रहा है आपका। कह रहा है कि टी का टी से क्या संबंध है, टी का टी से क्या संबंध है, यानी टी टी को क्या कहकर बुलाएगा, जो टी है ये टी को क्या कहकर बुलाएगा। अब एम तो हुआ इसका पिता, या इसका जेंडर पता नहीं है फीमेल है या मेल है, ये इसका पुत्र है ये पता है, और ये इसकी पत्नी है ये भी पता है। अगर पति के पत्नी जो है, पत्नी की जो बहन है, पत्नी की जो बहन है वो उसको क्या बुलाएगा, साली कहकर बुलाएगा, ठीक है, साली या साला, साला हो नहीं सकता क्योंकि ये फीमेल है, तो साली होगी, तो साली इसमें आंसर है, लेकिन इसमें ऑप्शन में साली दिया है, यानी इसमें ज्ञात नहीं किया जा सकता, आपका बी ऑप्शन होगा कि ज्ञात नहीं किया जा सकता, क्योंकि अगर साला दिया था यानी कि यदि फीमेल से मेल होगा तभी तो ये साला होगा, पत्नी की जो सिस्टर है या ब्रदर होगा वही तो साला या साली होगी, जैसे ये फीमेल है ये साली हुई, इसमें आप समझ रहे हैं ज्ञात नहीं किया जा सकता, किया जा सकता, यही आएगा इसका राइट आंसर, ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछ रहा है कि जे का डी से क्या संबंध है, यानी कि जे जो है का डी से, यानी डी जे को क्या कहकर बुलाएगा, जो डी है ये जे को क्या कहकर बुलाएगा, यानी जो आपके पिता, मान लीजिए आपके पिता है, आप क्यों हैं, आपके पिता है डी और आपकी माँ है डी, और डी जो आपकी माँ की जो बहन है सिस्टर, यानी टी जो आपकी सिस्टर यानी आपकी मौसी है, आपकी मौसी के लड़के को, यानी पूछ रहा है कि जे मौसी के लड़के को डी क्या कहकर बुलाएगा, डी से क्या समझ, डी क्या कहकर बुलाएगा, यानी आपकी माँ क्या कहकर, पुत्र, इसमें क्या आएगा पुत्र, समाज या पुत्री या भतीजी, चार ऑप्शन दे रखा है, इसमें पुत्र आएगा, पुत्र आपका राइट आंसर, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि क्यू का एम से क्या संबंध है, क्यू का एम से क्या संबंध है, एम से यानी एम क्यू को क्या कहकर बुलाएगा, यानी अगर आप अपने माँ या आपकी माँ हुई, माँ के आप पिता, पिता के आपकी
माता या पिता कुछ भी नहीं पता, जेंडर तो पता नहीं किसी, ठीक है। हाँ जेंडर पता है, प्लस यानी कि आपके दादाजी, तो दादाजी है, आप क्या कहकर बुलाएंगे, पौत्र कहकर बुलाएंगे ना, एम क्या कहकर बुलाएगा आपको, पोता हो रहे पौत्र कहकर बुलाएंगे आपको, इसमें ऑप्शन क्या आएगा, ऑप्शन बी आपका सही है, पौत्र आंसर। इसलिए ऐसे ही पजल सॉल्व किया जाता है। पजल में ऐसा होता है कि आगे का जो कॉन्सेप्ट है अगर आप वो समझ लगा लगाकर सेट कर लीजिए, उसमें जो आपका चार क्वेश्चन नीचे दिया रहता है वो बहुत आसानी से सॉल्व हो सकता है, ठीक है, जैसा कि आपने अभी देखा। चलिए अब लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन शॉट पर लगा हुआ है। इसमें क्या कह रहा है आपका पजल, कह रहा है कि एस आर के पिता है, एस आर के पिता है, कौन है, एस है, एस आर के पिता है, आर यू का एकमात्र पुत्र है, आर यू का एकमात्र पुत्र है, यू यानी इसका फीमेल यानी इसकी पत्नी हुई, एस की पत्नी यू का एकमात्र पुत्र है आर, यू जे की पुत्री है, यू जे की पुत्री है, जे की पुत्री, ठीक है, यू जे की पुत्री है, जे के केवल दो बच्चे हैं, जे के केवल दो बच्चे हैं, के जे का पुत्र है, के जे का पुत्र है, के जे का पुत्र है। अब क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, यदि एक्स जे की पोती है, यदि एक्स जे की पोती है तो यू एक्स से किस प्रकार संबंधित है, चलिए इसमें यह कह रहा है कि यदि एक्स जे की पोती है यानी कि जे जो है इसका पोता या पोती कौन हुआ, यानी कि जो आप इसका पुत्र है, पुत्र की जो बेटी या बेटा हो वही की पोती होगी, यानी कि आर उसका भाई हुआ तो आर की बहन क्या होगी, एक्स होगी, एक्स इसकी पोती होगी, ठीक है। अब पूछ रहा है कि एक्स वा यू एक्स से किस प्रकार संबंध है, यानी कि यू एक्स से, यू एक्स से यानी एक्स यू को क्या कहेगा, यानी यू एक्स यू को क्या कहेगा, माता कहेगा ना, सीधा सीधा पता है, माता कहेगा, ये इसकी माता हुई, माँ इसका राइट आंसर आएगा, ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इसमें कि एस के से किस प्रकार संबंधित है, के से यानी के एस को क्या कहेगा, के एस को क्या कहेगा, यानी के एस को क्या कहेगा, जीजा कहेगा, ठीक है, इसमें जीजा ऑप्शन में आया होगा, जीजा इसका राइट आंसर आएगा, जीजा इसका राइट आंसर, जीजा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इसमें आर जे से किस प्रकार संबंधित है, आर जे से किस प्रकार संबंधित है, यानी जे आर को क्या कहकर बुलाएगा, ठीक है, जे आर को क्या कहकर बुलाएगा, पोता कहकर बुलाएगा, क्या हुआ, पोता यानी कि पोता, समझ में आ रहा है आपको, पोता आंसर आएगा इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, चलिए समझ में आ गया आप लोगों को, तो समझ में आया पजल का सवाल। हेलो गाइस, तो आप लोग को जो टाइप टू के बारे में जो आपका क्वेश्चन आता है, कोडेड रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, अब हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक है, क्वेश्चन आपका स्क्रीन पे लग गया है, क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि यदि एक्स प्लस वाई ठीक है, एक्स प्लस y का अर्थ है x माँ है y की, x माँ है y की, ठीक है, x माइनस y, x माइनस y का अर्थ है x भाई है y का, x भाई है y का, ठीक है, x डिवाइडेड y, x डिवाइडेड y का अर्थ है x पिता है y का, x पिता है वाई का, एक्स इंटू
वाई का अर्थ है एक्स बहन है वाई की, एक्स बहन है वाई की, ठीक है। अब इसमें क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, ऑप्शन के थ्रू पूरा ए चर्चा है बी का, यानी कौन सा है, चार ऑप्शन दिया हुआ है, चार ऑप्शन हम लोगों को एक बारी बारी से क्वेश्चन ऑप्शन जो है वो लगाना पड़ेगा, तभी हमको पता चलेगा कि कौन सा राइट आंसर है, ठीक है। तो हम लोग एक एक ऑप्शन लेकर चलेंगे, हम मान लीजिए जैसे हम लोग सी ऑप्शन लेकर चल रहे हैं, ठीक है, सी ऑप्शन लेकर चल रहे हैं, तो सी ऑप्शन क्या पूछ रखा है कि ए प्लस एम माइनस एम इंटू बी, ठीक है। अब इसमें पूछ रहा है ए एम, ए प्लस एम का क्या होता है, ए प्लस एम यानी एक्स प्लस वाई, यानी एक्स पिता एक्स माता है वाई का, यहां पे क्या हो जाएगा, ए माता है एम का, ठीक है। अब बचा आपके पास एम माइनस वन, एम माइनस यानी एक्स प्लस वाई का मतलब क्या है कि वाई का भाई है एक्स, तो यहां पे क्या हो जाएगा, एम का भाई है एम, यानी एम का भाई है एम। अब आपके पास क्या बचा, एम इंटू बी, एम इंटू एक्स इंटू वाई का कह रहा है कि वाई है एक्स की माता, तो यहाँ पे क्या, वाई है एक्स की बहन, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी है एन यानी बी एन की बहन, वाई की बहन है यानी बी की बहन एन, बी की बहन एन है। तो पूछ रहा है कि ए चाचा है बी का, तो ए चाचा है बी का नहीं होगा, क्योंकि क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये इसकी माँ है ना, ये फीमेल है यार, फीमेल, तो फीमेल कहाँ अंकल हो जाएगा, ये ऑप्शन रॉन्ग है, इसलिए हम लोग नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ चलेंगे, जो डी ऑप्शन आपका बचा है, डी ऑप्शन देखेंगे कि सही है कि गलत है। डी ऑप्शन है, डी ऑप्शन आपका दे रखा है कि ए माइनस एम, ए माइनस एम इंटू एन, इंटू एन डिवाइडेड बाई बी, ठीक है, डिवाइडेड, ए माइनस एम का क्या अर्थ हुआ, ए एक्स माइनस वाई यानी वाई है एक्स का भाई, यानी एम है ए का भाई, एम है ए यानी एम का भाई ए, ठीक है। उसके बाद में आपके पास क्या बचा, एम इंटू एन यानी एक्स इंटू वाई, मतलब हुआ वाई एक्स की बहन, वाई का बहन एक्स है, यानी एन की बहन एम है, एन की बहन एम है, ठीक है। उसके बाद में आपके पास क्या बचा, एन डिवाइडेड बाई बी, यानी क्या हुआ, y का पिता x है यानी b का पिता m, b का पिता m है। तो पूछ रहा है कि a चाचा है b का, तो a जाहिर सी बात है क्योंकि a भाई है, m उसकी बहन है और m उसका भाई है, यानी भाई के यानी आपके पापा के जो भाई होंगे वो आपके अंकल होंगे, तो आपके अंकल क्या कहेंगे, आपको अंकल ही लगेंगे ना, यानी कि राइट आंसर क्या आ जाएगा, d आ जाएगा, राइट आंसर क्या है, d। क्लियर हुआ, समझ में आया, समझ में आई हो क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन आपका जो टाइप टू का था वो आपको समझ में आ गया होगा, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे लग गया है, देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि यदि एम इंटू एन का तात्पर्य है एम पुत्री है एन की, एम पुत्री है एन की, यानी एन की पुत्री कौन है, एम, ठीक है। एम प्लस वन, एम प्लस एन का तात्पर्य है एम पिता है एन का, एम पिता है एन का, ठीक। सेकेंड है आपका एम डिवाइडेड एन का तात्पर्य है एम भाई है एन का, एम भाई है एन का। इसके बाद में एम माइनस एन का अर्थ है एम भाई है एन का, एम भाई है एन का, और डिवाइडेड का अर्थ होता है, डिवाइडेड का तात्पर्य है एम माता है एन की, यानी एम माता है एन की, ठीक। इसमें क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पी प्लस पी डिवाइडेड क्यू प्लस आर माइनस टी इंटू के, कौन सा
संबंध पी का के साथ इंगित करता है, पी का के साथ, ठीक है, रिलेशन पूछ रहा है। तो हम लोग सॉल्व करेंगे पी डिवाइडेड क्यू, यानी कि एम डिवाइडेड एम का अर्थ हुआ कि एम की माता जो है एम है, यानी कि क्यू की माता जो है वो पी हो जाएगी, ठीक है, समझ में आ गया। अब आपके पास क्या बचा, क्यू प्लस आर, क्यू प्लस आर यानी एम प्लस एम का मतलब हुआ कि एम का पिता जो है एम है, एम का जो पिता है एम है, यानी कि आर का पिता कौन है क्यू, आर का पिता कौन है क्यू। इसके बाद में आपके पास क्या बचा, आर माइनस टी, यहां पे देखिए एम माइनस एम का मतलब हुआ एम का भाई एम है, तो टी का भाई आर है, टी का भाई आर है, ठीक। अब आपके पास क्या होता है टी इंटू के, तो टी इंटू के का मतलब हुआ, टी इंटू के का मतलब हुआ कि एम की पुत्री, एम पुत्री है एन की, तो यानी के की पुत्री टी है, के की पुत्री टी है, ये इसकी पत्नी होगी, क्यू की पत्नी के होगी, ठीक है। अब इसमें पूछ रहा है कि पी का के साथ क्या संबंध है, यानी पी का के साथ क्या संबंध है, यानी पी के को क्या, यानी के पी को क्या कहकर बुलाएगा, के साथ पी यानी के पी को क्या कहकर बुलाएगा, तो यानी क्या कहकर बुलाएगा, इसमें ऑप्शन दे रखा है सास पुत्र वधू ननद या बहन, ठीक है। तो पुत्र वधू, ये पुत्र वधू हुई ना, ये इसका पुत्र हुआ क्यू, अब क्यू की पत्नी क्या हुई, पुत्र वधू हुई, ठीक है। इसका आंसर क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा, ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर, समझ में आ गया। टाइप टू आपको समझ में आ गया, आपका जो क्वेश्चन आपका टाइप टू में हो गया है, तो आपका ब्लड रिलेशन यहीं पे समाप्त होता है। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अगले चैप्टर नए चैप्टर के साथ में। जो भी इसमें कोई डाउट है या कुछ भी आपको पूछना या आपको समझ में नहीं आया, तो आप कमेंट बॉक्स में जाके आप मेंशन कर सकते हैं, हम उसको अगले नेक्स्ट वीडियो में उसको सॉल्व करा देंगे, ठीक है। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, और शेयर करना मत भूलिए, ठीक है। जय हिंद जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।